एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा जी, हेडिंग डाल दें पहले तो। थर्ड टॉपिक हमारा प्री पेमेंट्स क्या होती है, एडवांस पेमेंट्स हो गई और एक्रूवल्स जो एरियर के चांस एरियर्स, वो तो डाउटफुल डेट्स होते हैं मिलने के साथ। जो अनपेड होता है एक्सपेंस हाँ, अनपेड एरियर्स एरियर्स क्या है, अनपेड। प्री पेमेंट्स क्या हो गए, एडवांस पेमेंट्स, और एक्रूवल्स आपके अनपेड एक्सपेंस, अनपेड। तो एक्रूड एक्सपेंस के जैसे एक टर्म यूज होती है, उसको अनपेड एक्सपेंस भी कह सकते हैं आप, अनपेड एक्सपेंस या एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले एक्रूवल्स और एक्रूड एक्सपेंस, इसकी डेफिनेशन, और इसके साथ ही मैंने इसकी एंट्री भी लिख दी है। अब लिखे उसके बाद ये प्री पेमेंट्स तो भी कॉपी कर ले पहले। एक्चुअली आपको समझ में आ गई एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसके एंट्रीज में आपको जरा समझा देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे एंट्रीज बनाएंगे स्टार्ट से, चलते हैं। अच्छा, सपोज कर लें बिजनेस हमने स्टार्ट किया जनवरी में, स्टार्ट से चलेंगे। बात कर लेते हैं सैलरी की, बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मली पहले एक्रूवल बता देता हूँ। हाँ अच्छा, अब सैलरी जो है नॉर्मली नेक्स्ट मंथ में पे होती है। जैसे जनवरी की सैलरी है तो फेब में पे होगी, फेब की सैलरी है मार्च में, मार्च की अप्रैल, अप्रैल के मई, इसी तरह होता है। अब फर्ज कर लें कि हमारी जो कंपनी है, जो भी बिजनेस है, वो हर मंथ की 5th को सैलरी पे करती है इनवॉइस को। ठीक, अब जनवरी में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जनवरी की सैलरी कब पे होगी, फरवरी 5 को। तो हम यहाँ लिखते हैं फरवरी 5 सैलरी पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश या बैंक क्रेडिट रहेगा। अमाउंट सपोज कर लेते हैं 50,000 का। ठीक है, अच्छा अब फाइव की सैलरी कब पे होगी, मार्च 5 को, तो सेम एंट्री बनेगी, तो कॉपी पेस्ट करते हैं। मार्च की सैलरी हम पे करेंगे अप्रैल 5, सेम एंट्री बन जाएगी। फिर अप्रैल की पे करेंगे मई 5, सेम एंट्री होगी। हाँ अच्छा, मई की हम पे करेंगे जून 5, इसी तरह ये एंट्री कॉपी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सैलरी है जून की, पे हो जाएगी जुलाई में, जुलाई 5, सेम एंट्री बनेगी। अच्छा, इसके बाद फिर जुलाई की हम पे करेंगे अगस्त में, अगस्त 5, सेम एंट्री होगी अगस्त की, सितंबर 5, सेम एंट्री बन जाएगी, सितंबर की, अक्टूबर 5,
अक्टूबर की पे करेंगे, नवंबर 5, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके बाद नवंबर की पे करेंगे, दिसंबर 5 को सेम एंट्री बनेगी। ठीक है, दिसंबर की पे होगी जनवरी 5 को। ठीक है, लेकिन अब ईयर एंड कब हो रहे हैं हमारा, 31 दिसंबर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दिसंबर की सैलरी जनवरी में रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होगा, अब देखिए पे हम करेंगे जनवरी 5, अगर हम इसको जनवरी 5 में रिकॉर्ड करें तो इससे क्या होगा, हाँ, कि जब हम ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें दिसंबर की सैलरी चार्ज नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी ना, सिर्फ 11 मंथ्स की चार्ज होगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक है, नहीं किया ना, नहीं किया ना, पिछले कहाँ किया हमने, नहीं किया ना, जनवरी में बिजनेस शुरू हुआ, कोई सैलरी पे नहीं हुई ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, देखें दिसंबर की सैलरी हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी में, जनवरी 5 को। तो अगर इसको हम जनवरी 5 को रिकॉर्ड करते हैं तो इससे क्या होगा कि इस साल के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में चार्ज होंगे। अच्छा, और जो करंट ईयर का हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 31 दिसंबर पे, उसमें सिर्फ 11 मंथ्स की सैलरी चार्ज होगी, 12 मंथ की चार्ज नहीं होगी, दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, याद है, डेप्रिसिएशन मैच में, डेप्रिसिएशन में मैचिंग, तो जीरो रिकॉर्ड होती है। डेप्रिसिएशन में बढ़ाया था मैचिंग प्रिंसिपल, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, यानी कि जिस साल जो इनकम रिकॉर्ड करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज होने चाहिए। अब सैलरी हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को दिसंबर की, काम हमने उनसे लिया दिसंबर में, बेनिफिट हमें मिला दिसंबर में, तो एक्सपेंस भी उसी साल चार्ज होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल। एक चीज और होती है, अभी एक कॉन्सेप्ट और यहाँ बताऊंगा, एक होता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट या एक्रुअल बेस अकाउंटिंग। वो क्या होती है, वो ये कि जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लें, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार ना करें, वो भी लिखेंगे, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है एक्रुअल कॉन्सेप्ट, क्या लिखता है, कॉपी बाद में कीजिएगा। एक्रुअल बेस रिक्वायर्स दैट द इंपैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर एंड नॉट एज कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, यानी जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करेंगे। तो देखिए वही मैचिंग वाली बात आ गई, कि अगर हम यहाँ पे दिसंबर की सैलरी को जनवरी 5 को रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट के टाइम पर, तो उससे क्या होगा, करंट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका मैचिंग के भी अगेंस्ट हो जाएगा, इस ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं। इसके हम क्या करेंगे फिर, जो अब ये ट्रांजेक्शन सैलरी अकर कब हुई है, ड्यू कब हो गई है, हम पे 31 पे, 31 पे सैलरी ड्यू हो गई। ठीक है, अब हम पेमेंट का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि 31 पे ही एक्रूड सैलरी रिकॉर्ड कर लेंगे, या सैलरी एक्रूड हो गई है, ड्यू हो गई, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये सब ईयर एंड पे, ईयर एंड पे देखिए, मंथ पे नहीं, देखिए मंथ वाइज हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना, जनवरी की फेब में, फेब की मार्च में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस साल के एक्सपेंस उसी साल में चार्ज हो रहे हैं ना। सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स कहाँ होती है, ईयर एंड पर, लेकिन जो बैड डेट्स के हम एडजस्टमेंट करते हैं, अलाउंस कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, वो ईयर एंड पे होता है, ताकि इस साल के बैड डेट इसी साल चार्ज हो। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड पर, ताकि इस साल के एक्सपेंस इसी ईयर में चार्ज हो। एक्रुअल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट भी ईयर एंड पर होती है, ताकि करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में ही चार्ज हो, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर ना हो। तो ये तीनों एडजस्टमेंट्स ईयर एंड पे होते हैं, पूरे साल हम रिकॉर्ड करते रहते हैं पेमेंट के टाइम पर, एडजस्टमेंट कब होगी, ईयर एंड पे। अब ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, दिसंबर की सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, और इस वक्त ये एक्रीड है, पेबल है, हाँ, तो इसमें हम लिखेंगे आपका एक्सपेंस को तो डेबिट ही करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और एक्रूवल्स, हाँ, या एक्रीड, हाँ, सैलरी क्रेडिट करके, तो ये इसके डबल एंट्री हो जाएगी, एक्रूवल्स और एक्रीड सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, अमाउंट वही रहेगा, तो अच्छा हाँ 50,000, 50,000 से। ठीक है, ये इसकी डबल एंट्री बनेगी इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब इससे क्या होगा, अब देखें, अब सैलरी एक्सपेंस कितने चार्ज हो गया, 12 हो गया पूरे, तो पूरे 12 मंथ्स के एक्सपेंस इसी साल में
चार्ज हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये 12th सैलरीज बन रही है, ये चीज हो गई। तो ये एंट्री बनती है ईयर एंड पर एक्रूड सैलरी की। अब क्लियर हो गया, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्रेडिट कर। ठीक, अभी आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई, अक्रूवल्स वाली। ठीक है, ये और ही बनेगी कब? ईयर एंड, सिर्फ ईयर एंड पे एक्सपेंस डेबिट अक्रूवल्स क्रेडिट। ठीक, अच्छा प्री पेमेंट समझा देता हूँ। अच्छा प्री पेमेंट क्या है? एडवांस पेमेंट्स होती है। ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट कब होगी? ईयर एंड पर ही होगी। अब इसमें आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे हम वही, हमने जनवरी में एक बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा अब क्या है कि हमने फॉर रेंट के एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। अच्छा अब रेंट हम पे कर रहे हैं एडवांस में और 3 मंथ्स का हम दे रहे हैं रेंट, बजाय मंथली पे करने के 3 मंथ्स का पे कर रहे हैं। अच्छा अब हमने जब पेमेंट करेंगे, पहली पेमेंट कब होगी? 1 जनवरी को ही। तो हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट सपोज कर लें आपका 15,000, 5,000 पर मंथ 15,000 हो गए। ठीक है, अच्छा सेकेंड पेमेंट कब होगी? ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल फर्स्ट को फिर हम पे करेंगे, तो सेम एंट्री बनेगी। 3 मंथ्स का दे रहे हैं ना, क्वार्टरली पे कर रहे हैं 3 मंथ्स का। ये पहली पेमेंट थी जनवरी, फरवरी, मार्च का रेंट, सेकेंड है आप अप्रैल, मई, जून का रेंट पे किया। ठीक है, अब 1 जुलाई को थर्ड पेमेंट होगी, तो ये 3 मंथ्स का रेंट पे कर रहे हैं, तो सेम एंट्री हो गई। अच्छा उसके बाद अक्टूबर अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट, देन हम फिर हमने पेमेंट की। अच्छा नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? अब दिसंबर। अच्छा ये पेमेंट हो गई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरी हो गई। पूरी हो गई। अब ईयर एंड हो गया। अच्छा नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? अच्छा अब यहाँ पे इसको मैं चेंज करूंगा। ऑफर्स कर लें हमने अक्टूबर में, बजाय 3 मंथ्स का रेंट पे करने के 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया 30,000। मार्च तक की पेमेंट कर दी, 6 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया हमने रेंट। अक्टूबर में हमने क्या किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का रेंट एडवांस पे कर दिया। ठीक है, ये एडवांस पेमेंट हो गई। अच्छा अब ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर। तो अब देखिए, अगर इसमें अब ये रेंट कब तक का है? 31 मार्च तक का। करंट ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर, तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च का रेंट भी आ गया, तो वो इसमें से माइनस होना चाहिए या नहीं? माइनस देखिए 15,000 हम दे रहे हैं पर क्वार्टर, यानी कि 5,000 पर मंथ, तो 5 × 12 60,000 हो जाएंगे। साल का रेंट बनेगा 60,000, लेकिन अगर इनका सम करें आप फिलहाल, अब देखिए यहाँ से चलेंगे रेंट से, अब ये 15,000, 15, 30, 45 और 75,000 हो गए। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस बन रहे हैं 75,000, जबकि करंट ईयर में चार्ज होने चाहिए 60,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। हाँ अब यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट करना होगी, क्योंकि अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च का रेंट भी इसी साल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? अब हमें पता है इसमें से, अब ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का रेंट प्रीपेड है, तो हम क्या करेंगे? अब इसकी एंट्री होगी प्री पेमेंट्स या प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, नहीं एक्रूअल ट्रांसफर किया। और ये जो हमने देखा रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया था, तो अब रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000, 15,000 से प्री पेमेंट डेबिट और 15,000 से एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा आप टोटल करते हैं, देखें यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000 30 हो गए, फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट 15, 45, रेंट एक्सपेंस डेबिट 30, 75, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट -15, तो 60,000 रेंट एक्सपेंस आ गया आपका, जो करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये ईयर एंड पे एक एडजस्टिंग एंट्री बनती है। ठीक, प्री पेमेंट्स डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गए और आपके एक्सपेंस कम हो गए, प्री पेमेंट्स। हमेशा ही होगा सर, हमेशा हमेशा क्या मतलब? ही होगा कि एक्सपेंस कम ज्यादा हो गए नहीं, अब या तो होंगे एक्रूड होंगे या प्रीपेड होंगे।
दोनों में से ये प्री पेमेंट की एंट्री हो गई, ये प्री पेमेंट की एंट्री बनी ईयर एंड पे एडजस्टिंग एंट्री, और ये पहले हमने बनाई थी एक्रूड एक्सपेंस की, ये एक्रूड एक्सपेंस की और वो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, 20,000 कौन किया है? एक मिनट एक मिनट, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग लिख लें, एक्रुअल कॉन्सेप्ट और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्या है कि ट्रांजेक्शन जब अकर होगी तब उसे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करते। डेफिनेशन तो दी है, अब इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा क्वेश्चंस जो हैं वो दो रिक्वायरमेंट्स होंगी क्वेश्चन की, इसमें भी सेम, एक आपको ये बताना है कि ईयर एंड पर जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें एक्सपेंस का क्या अमाउंट चार्ज होगा, और ईयर एंड पर जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें एक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस का क्या अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फाइंड करना होंगी, करेंट ईयर एक्सपेंस और अक्रूवल्स और प्रीपेड। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप जिसमें हमने टी अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम टी अकाउंट बनाएंगे और टी अकाउंट की बेस पर एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी टाइप जिसमें वो कहलाते हैं टाइमलाइन बनेगी, टाइमलाइन की बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंट बेस्ड, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है, ये पहले आप कॉपी कर लें, फिर ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अकाउंट, अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा प्री पेमेंट की नेचर क्या है? एसेट होते हैं, तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? डेबिट पे आ गया, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, सीडी बैलेंस। अच्छा एक्सपेंस के अकाउंट, अभी समझाता हूँ ये सब समझ। एक्रूअल्स का की नेचर क्या है? लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो। अच्छा जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? पेमेंट जब करते हैं पेमेंट, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस जब पेमेंट करते हैं, हाँ डेबिट होगा ना। ठीक है, अच्छा अब ये ओपनिंग बैलेंस आ गए, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, पेमेंट्स आ गए, अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, अब इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा, तब डेबिट टोटल, ठीक है, अब डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक चीज बता दो, आप कह रहे थे क्या अब बने? हाँ अब ये कह रहे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट है, ये तो हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया ना, तो एक्सपेंस अकाउंट में प्री पेमेंट्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्री पेमेंट्स तो एसेट होते हैं, एक्रूवल्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? वो तो लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ कैश पेमेंट आनी चाहिए थी। अच्छा तो यहाँ पर ऐसे देखें, ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं टाइटल तो इसका होगा एक्सपेंस का, लेकिन यह है थ्री इन वन अकाउंट, थ्री इन वन, ये एसेट अकाउंट भी है, एक्सपेंस अकाउंट भी है, लायबिलिटी अकाउंट भी है। ठीक है, अच्छा नॉर्मली क्या होता है बीकॉम में, जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, बीकॉम में ये टॉपिक है, तो वहां पे वो तीन अकाउंट्स बनवाते हैं सेपरेट, एक्सपेंस का अलग, एक्रूअल्स का अलग, प्री पेमेंट्स का अलग होता है। ठीक, यहाँ पे हम बनाएंगे कंबाइन अकाउंट, पहले इसको कॉपी कर लें, फिर ये आपको मैं एक्सेल पे तीनों अकाउंट्स अलग अलग बना के एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उन तीनों अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएंगे, तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है। अच्छा अब ये फॉर्मेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब तीन अकाउंट्स हम बनाएंगे पहले सेपरेट, फिर इन तीनों को कंबाइन करेंगे, तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा ये बने हुए तीन अकाउंट्स हमारे पास आ गए, एक एक्सपेंस अकाउंट बना लिया हमने, एक प्री पेमेंट्स का और एक एक्रूअल्स का, और आखिर में इसको मैं फिर कंबाइन करके बनाएंगे तीनों को, पहले इंडिविजुअली आपको समझा देता हूँ। अच्छा प्री पेमेंट्स का सपोज कर लें ओपनिंग बैलेंस आपके पास 5,000 डेबिट हो जाएगा, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस सपोज कर लें 2,000 है एक्रूड एक्सपेंस,
और अब हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस पे किए, पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। टोटल हमने पेमेंट्स की सपोज 50,000, एक सिंगल पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं फुल ईयर में, पूरे साल में हमने 50,000 पे किए। अच्छा अब ईयर एंड पर 5,000 में से कुछ प्रीपेड बच गए हमारे, प्रीपेड कितने रह गए, हाँ सीडी सीधी मैंने बीडी की लिख दिया सीधी, तो ये हमारे प्रीपेड कितने रह गए 3,000 ईयर एंड पे, और ईयर एंड पे कुछ एक्यूरेट एक्सपेंस थे होगी ये ज्यादा हो गया। पांच ओके अच्छा ये हो गया हमारे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट आगे। अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे। अब देखिए 5,000 हमारे प्रीपेड थे, ईयर एंड पे प्रीपेड कितने रह गए, तो बाकी 2,000 कहाँ गए, खर्च हो गए, तो वो बन गए एक्सपेंस। इस 3,000 का हम कहाँ ले जाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अमाउंट गलत लिख दिया मैंने, 2,000, अभी 2,000 हमारे एक्सपेंस हो गए, इसे हम एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिए। ओपनिंग बैलेंस कितना था, ईयर एंड पे कितने रह गए, तो बाकी कम हो गए, यूज नहीं हमने 5,000 कोई पेमेंट कर दिया था। गए, लास्ट ईयर पे कर दिया था हमने ज्यादा, लास्ट ईयर पे किए थे तो इस ईयर का ओपनिंग बना ना वो, और एक एक्सपेंस था जो हमने लास्ट ईयर पे नहीं किया था वो साल का एक्रूड हो गया। अच्छा ईयर एंड पे हमारी एडवांस पेमेंट कितनी है, 3,000, तो बाकी 2,000 कहाँ गए, यूज हो गए, खर्च हो गए, तो ये एक्सपेंस बन गए, एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो गया और प्री पेमेंट क्रेडिट हो गया। अच्छा एक्रूवल्स अकाउंट क्लोज करते हैं। एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस है 2,500, तो स्टार्ट पे थे ये 2,500 के, अब क्या होगा हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब बढ़ गए अच्छा एक्रूवल्स, बढ़े तो इसका मतलब एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गए ना, तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है अच्छा अब हम एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल आएगा 52,500, 52,500, और ये क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गया, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस चार्ज हो गया 52,500। अच्छा बैलेंस शीट में एक्रूड एक्सपेंस आएंगे एज अ करंट लायबिलिटी 2,500, और बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ करंट एसेट 3,000। ठीक है अच्छा ये तो सेपरेट अकाउंट्स बन गए, क्लियर हो गया समझ, बैलेंस बैलेंस शीट में बैलेंस शीट जो कि ईयर एंड पे बनती है तो क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा ना हमेशा। अच्छा इन तीनों अकाउंट्स को हम मर्ज करते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं एक्सपेंस का, आंसर सेम आएगा 52,500। अच्छा पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो गया, एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो गया। अच्छा प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 3,000, एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस 25,500, और अभी हमने पेमेंट्स की थी 50,000 की, तो 50,000 से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में 50,000 से डेबिट और यहाँ आ जाएगा कैश। ठीक है अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं, अब डेबिट साइड का टोटल करें तो 57,500, 57,500 आया। अब इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 52,500, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट। राइट तो देखिए तीन सेपरेट अकाउंट्स बनाए तो भी आंसर 52,500 था, सिंगल अकाउंट बनाया तब भी आंसर 52,500 आ रहे हैं। ठीक है तो ये हमारे थ्री इन वन अकाउंट होगा, ये एसेट अकाउंट भी है, एक्सपेंस अकाउंट भी, और लायबिलिटी अकाउंट भी। अब इसको कॉपी कर लें, सब एक्टिविटी वन सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें एक्टिविटी वन में सिंपल कैलकुलेशन है, इस पे ना तो टी अकाउंट बनेगा ना टाइमलाइन बनेगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद फिर क्वेश्चन वन से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल के जब ट्रांजेक्शन ना करो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और जिस ईयर के एक्सपेंस होंगे उसी ईयर में चार्ज होंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होंगे। ओके अब इसमें पहला रेंट है, रेंट कितना है, चार्ज एट 5,000 पर क्वार्टर, पेड क्वार्टरली इन एडवांस। अच्छा पर क्वार्टर मींस 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स।
यानी कि साल में 12 मंथ होते हैं तो डिवाइड कर देंगे 1/4 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 मंथ्स आ जाएगा पर क्वार्टर। अच्छा 3 मंथ का रेंट है 5,000 और एडवांस पे कर रहे हैं, यानी कि पहली पेमेंट होगी 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। आपको ये बताएंगे कि जब ईयर एंड हमारे यहाँ पे कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर, तो इसमें आपने ये बताएं कि रेंट एक्सपेंस कितना चार्ज होगा, रेंट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे ईयर एंड पर क्वार्टर 5,000 है, तो 5 5 20 4 क्वार्टर्स तो 20,000, राइट? 5,000 पर क्वार्टर क्वार्टर का मतलब होता है थ्री तो मंथ्स क्वार्टर का मतलब होता है मतलब 3 मंथ। देखिए साल में 12 मंथ्स होते हैं, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। ठीक है, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का रेंट पे कर रहे हैं 5,000। तो टोटल क्वार्टर कितने होते हैं, फोर क्वार्टर्स हैं, तो 5,000 पर क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये बनेगा 20,000 रेंट एक्सपेंस बस। ठीक है, अच्छा तो रेंट एक्सपेंस हो गया 20,000, राइट। अब सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसमें पेड इन द ईयर 1,000, अभी हमने पे कर दिए, इनवॉइस्ड रिसीव्ड इन जनवरी 2002 फॉर 300। अच्छा कब, अच्छा ये नेक्स्ट ईयर हमें इनवॉइस मिल रही है, मतलब बिल आ रहा है, कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अच्छा टूर गलत लिखा हुआ है, पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ठीक है, अब बताएं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, सैलरी कार्ड नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट क्या लिखा, नहीं पेड इन द ईयर 1,000, पेड इन द ईयर 1,000 तो हमने पे कर चुके हैं। अच्छा अब इनवॉइस एक हमें मिली है जनवरी 2 में 300 की, और ये कब से कब तक की है, ये अक्टूबर से दिसंबर कौन से साल के अक्टूबर से दिसंबर, इसी साल के अक्टूबर से दिसंबर, इसी करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा है हमारा, एक करंट ईयर ये है, तो दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बिल हमें मिल रहा है जनवरी में अगले साल, तो ये है तो इसी साल का। ठीक है ना, जनवरी में रिसीव हुआ तो ये ईयर एंड पे क्या होता है, एक्यूरेट होगा, अनपेड होगा ना, लेकिन है तो इसी साल का ना। ठीक, इस साल हमने पे कितने किया, 1,000 पे किए, और 300 हमारे क्या है, एक्यूरेट अनपेड पेबल। ठीक, तो इस साल के टोटल एक्सपेंस कितने होंगे, 1,300 हो जाएंगे ना, प्लस 300 1,300, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टोटल होंगे 1,300, जिसमें से 1,000 हम पे कर चुके हैं और 300 एक्रीड होंगे। अच्छा नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस इसमें क्या, 820 पेड फॉर कॉल्स अप टू नवंबर 30। अच्छा 30 नवंबर तक हमने बिल्स पे कर दिया 820 का, अब क्या रहेगा, सिर्फ दिसंबर रह गया आपका ना, एक महीना। द बिल फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर रिसीव्ड इन फेब 2002 वाज फॉर 240। अभी 240 किन मंथ्स का बिल है, मंथ्स के कौन से, तीन, दिसंबर जनवरी फरवरी का बिल है ये। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा सिर्फ, हमें, हम इनकम स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, दिसंबर के एंड पर, नवंबर तक का बिल हमने पे किया है 820, 820। अब इसमें हमें सिर्फ दिसंबर का एक्सपेंस ऐड करना है, दिसंबर के ना, तो अब क्या करेंगे, 240 हाँ मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 820 + 80 = 900, तो ये हमारे करंट ईयर के टेलीफोन एक्सपेंस होंगे। अच्छा अब इसमें हम 820 पे कर चुके हैं, तो बाकी जो 80 है ये एक्रीड हो जाएंगे, पेबल हो जाएंगे। ठीक, कॉपी कर लें।